आओ आज चलते हैं खंडेलवाल समाज के सात गोत्रों की देवी सरुण माता। यह स्थान जयपुर से दिल्ली के मुख्य मार्ग कोटपुतली से नीमका थाना की ओर 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इस भव्य और आकर्षक मंदिर में माता पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ 285 सीढ़ियों पर चढ़कर माता के भव्य मंदिर में पहुँचा जा सकता है। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम और आकर्षक है। माता जी के दर्शन के लिए एक साथ बहुत से व्यक्तियों का जाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति जाकर के वापस दर्शन कर सकता है। यह माता जी थोड़े से गुफा में हैं और जहाँ झुक करके ही हम जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि खंडेलवाल समाज के 7 गोत्र होने के बावजूद यहाँ की धर्मशाला की स्थिति बहुत ही गंभीर है, जिसमें नवनिर्माण की आवश्यकता है। यहाँ 2 धर्मशाला हैं और एक मुख्य धर्मशाला जो मंदिर से सटी हुई है, वो वर्षों से एक जैसी स्थिति में है। सभी गोत्र मिलकर के इस धर्मशाला के निर्माण की ध्यान दें। मामोड़िया हल्दिया गोद्रोजनिया मामोड़िया, इसमें माता की अपार भीड़ होती है। बैसाख शुक्ल सप्तमी को तो यहाँ पर मेला लगता है और नवरात्र में 9 दिन तक माता की अपार भीड़ होती है। खंडेलवाल समाज यहाँ पर ऑल इंडिया से आते हैं। यहाँ पर 2 धर्मशालाएँ खंडेलवाल समाज के, एक तो श्री राम प्रकाश खंडेलवाल कोलवाल जी हैं जो हाथरस के निवासी है रहने वाले, और एक है श्रवण माता सेवा समिति ट्रस्ट। ये सभी 7 गोत्र मिलकर बना रहे हैं। इसमें देख रेख, इसमें व्यवस्थापक जो भी देख रेख है, ये ज्ञानचंद जी अटोलिया साहब देखते हैं और मुख्य संरक्षक दामोदर लाल जी अटोलिया है। दोनों धर्मशालाओं में पानी यहाँ पर नीचे गहरा है तो पानी की थोड़ी समस्या हो जाए, पानी की अगर समस्या है, पानी की अगर हो जाए तो यहाँ पर दोनों धर्मशाला धर्मशाला के लिए कितनी जगह यहाँ पर उपलब्ध है? यहाँ पर 6000 गज धर्मशाला खंडेलवाल समाज के नाम है। 6000 वर्ग गज में जमीन, 6000 वर्ग गज 2 बीघा जिसको बोलते हैं ना, खंडेलवालों के नाम पे है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान बनाया जा सकता है, यहाँ पे रोका जा सकता है। 2 बीघा में बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है जी जी जी। और यहाँ पर हर वर्ष आसोज के नवरात्रों में खंडेलवाल समाज का एक सम्मेलन टाइप में होता है, जिसमें कम से कम भी 3000-4000 खंडेलवाल इकट्ठे होते हैं। 7 अच्छा, 3-4 हज़ार खंडेलवाल यहाँ पे एकत्र होते तो कभी इस संबंध में पहल नहीं हुई सब मिलकर? वो क्या था, अपने अपने साधनों से आते हैं और अपने अपने साधनों से निकल जाते हैं। अच्छा। जो मेन है 8-10-20 वो बिचारी अपने जो भी खर्चा बढ़ता है वो खाना होने का, वो 8-10 टन करते हैं और वो चल जाते हैं, अपने अपने साधनों से आते हैं। वैसे इकट्ठे एक दो टोक, कोई अब आ गया कोई